अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव। ये चंद मसाले इसमें जाएंगे, आलू, प्याज, टमाटर और ये कुछ हरी मिर्चें और मटर चाहिए इसके लिए, और 1 किलो चावल इसके लिए। आधा कप घी में प्याज हम ब्राउन कर लेंगे और साथ ही इसके साबुत गरम मसाला डाल दें। इसको फ्राई करते हैं, ब्राउन कलर आने तक इसको ज़रा फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही जो मसाले थे वो डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और आलू भी डाल के 3 से 5 मिनट तक आलू भून लेंगे। मटर मेरे पास फ्रोज़न है तो इसको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अगर आपके पास ताज़े हैं तो आप उसको 5 मिनट तक पका लें या पहले डाल लें उससे। मेरे पास फ्रोज़न है इसलिए मैंने 2 से 3 मिनट। अब इसमें पानी डाल लें जितने आपके चावल हैं। चावल डाल दें पानी में और चावल पानी इतना हो कि आपके चावल जो हैं वो इसमें नज़र ना आए, डूब जाए इसमें चावल। पाँच मिनट तक पकने पे इसका नमक देख लें। अगर तो इस स्टेज पे आपको नमक कम लगे तो आप नमक और डाल दें, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें और 5 से 7 मिनट इसको दम दे दें। 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं अच्छे चावल। अब हम बना रहे हैं आलू के कटलेट्स। आलू बॉईल कर लें, छिलका उतार के इसको अच्छी तरह मैश कर लें। और ये चंद मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, अजवाइन, नमक, काली मिर्च और पिसा हुआ मसाला, गरम मसाला। आलू मैश करके इसमें ये सारे मसाले डाल देते हैं और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको टिक्कियों की शक्ल दे दें, कटलेट्स बना लें जैसी आपको शेप पसंद है। और बेसन का जो पकौड़ा वाला घोल घोलते हैं उसमें घोल के वैसे तो फ्राई कर लें। अभी हम बना रहे हैं खीरे का रायता, जिसके लिए दही चाहिए, खीरा चाहिए और ये ज़ीरा और नमक और काली मिर्च थोड़ी सी। दही को अच्छी तरह फेंट लें, थोड़ा सा पानी डाल लें इसमें, ये मसाले ज़ीरा नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। खीरा जो किया हुआ है इसको मिक्स कर लें इसमें। चलिए जी, आपका रायता भी तैयार हो गया, ये एक मुकम्मल मील तैयार हो गया। ये आपका मुकम्मल मील तैयार हो गया। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा